हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड का जो तीसरा पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको सारी थ्योरीज बता दिया है, चाहे वो कॉग्निटिव थ्योरी हो, चाहे वो सोशल कल्चरल थ्योरी हो, चाहे वो इनसाइड थ्योरी हो। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उन सारी थ्योरी पर ही बेस्ड है हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है, मैं आपको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूँ। देखिए, मैं आपको आज बताता हूँ कि जो बच्चे आपके कॉलेज में टॉप करते हैं, वो यही रीजन होता है जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चे कैसे टॉप करते हैं, 90 प्लस कैसे नंबर लेके आते हैं, उन्हें सारे को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, आज का जो चैप्टर है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप अपने सिलेबस में देखेंगे कि आपके सिलेबस में ये चीज होगा लिखा हुआ, करंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग पियाजे 1977, या उसके अलावा भी वाइगोर्स्की लिखा होगा, उसके अलावा इनसाइड लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब है, करंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग यानी कि अभी के टाइम में कौन थ्योरीज है जो लर्निंग के अकॉर्डिंग है, जो पियाजे ने दिया है। तो अभी के अकॉर्डिंग तो कोई थ्योरीज नहीं है, ना ही आपको किताब में आपको मिलेगा इसका कंटेंट कहीं भी पढ़ने के लिए। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है करंट थ्योरीज लर्निंग का मतलब होता है कि करंट में इसका क्या एजुकेशनल इंप्लीकेशन होता है, चाहे वो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी हो, चाहे वो वाइगोस्की की थ्योरी हो, चाहे वो इनसाइड थ्योरी हो, जिसे गेस्टाल्ट थ्योरी बोलते हैं। तो इसको क्या समझेंगे, समझ में आया कि यहां पर जो ये थ्योरीज की बात की है ना, इन्होंने ये बात की है कि इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन आज के डेट में किस तरीके से होता है, यानी कि शैक्षिक निहितार्थ किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, इसको देखेंगे। आज का जो टॉपिक होगा एजुकेशनल इंप्लीकेशन, जितनी भी है, जैसे कि आपका इनसाइड थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है, उसके बाद सोशल कल्चरल थ्योरी है, सबका मैं आपको इसी वीडियो में 5 से 7 मिनट में इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप अपना आंसर बहुत इफेक्टिव लिख पाओगे। और मैं कह रहा था कि बच्चे जो है टॉप करते हैं, 90 प्लस लाते हैं नंबर, क्यों लाते हैं, कैसे लाते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो उसका तरीका क्या है, देखिए आपका जो ये पेपर है ना, पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड होता है। तो थ्योरी तो हर साल पूछा ही जाता है, ये तीन थ्योरी है जिसको मैंने समझाया हुआ है, इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन अभी मैं समझाऊंगा। देखिए, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉग्निटिव थ्योरी को बताएं और उसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन बताएं, तब तो आप दोनों बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन अगर आपसे ये नहीं कहा जाए कि कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बताएं और एजुकेशनल इंप्लीकेशन बात नहीं करे, एजुकेशनल इंप्लीकेशन की बात करे ही नहीं, तो भी आपको उसमें लिख करके आना है कि इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन ये होता है, इस वजह से आपका जो है आंसर इफेक्टिव बनता है और आप अच्छा नंबर भी गेन कर पाते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का। तीन थ्योरी है, तीनों थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है आज मैं आपको समझाऊंगा। एजुकेशनल जो इंप्लीकेशन है, यानी कि आपका शैक्षिक नेता अर्थ जो होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला होता है आपका जिन पियाजे। जिन पियाजे को आपने सीखा हुआ अच्छे तरीके से कि इन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा हुआ है। ये कहते हैं कि बच्चे के स्कीमा डेवलप कर तो करो, तब जाके वो सीखेगा। ये कहते हैं कि बच्चों का जो मेंटली क्षमता है उसको डेवलप करो, तो उसी को देखेंगे एजुकेशनल इंप्लीकेशन में इन्होंने क्या बोला है। यानी कि एजुकेशनल इंप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो भी थ्योरी दिया गया है, वो थ्योरी चाहे वो एनिमल्स पे दिया हो या किसी चीज पे दिया हो, वो थ्योरी आपके शिक्षा में किस तरीके से प्रयोग है, या फिर जिस तरीके से कॉग्निटिव थ्योरी है पियाजे की, वो थ्योरी आपके एजुकेशन में किस तरीके से प्रयोग होगा, किस तरीके से क्या कहते हैं सहायक होगा, किस तरीके से हेल्पफुल होगा, उसी को समझेंगे। देखिए, पियाजे ने स्टेजेस पे कहा है, क्या बोला है कि पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे जो है अपने स्टेजेस को कंप्लीट करके अपनी क्षमताओं को डेवलप करता है। सपोज दे सेंसरी मेटर स्टेज जो होती है वो कब से होती है, 0 से लेकर के 1 साल तक की होती है, क्या कहते हैं सॉरी 2 साल की तक की होती है। तो उन 2 साल को जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा, तब तक वो जो है किस स्टेज में रहेगा, सेंस के स्टेज में रहेगा, रिफ्लेक्स के स्टेज में रहेगा। थिंकिंग पावर अगर उसकी बात होगी तो थिंकिंग पावर किस स्टेज में आती है, थिंकिंग पावर जो होती है वो आपका पूर्व क्रिया अवस्था में आती है, है ना। तो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉग्निटिव के अंडर क्या कहते हैं एजुकेशनल इंप्लीकेशन को देखेंगे। पहला पॉइंट होता है अंडरस्टैंडिंग स्टेज। पहला पॉइंट क्या होता है पियाजे के अकॉर्डिंग कि टीचर को यह चाहिए कि वो स्टेजेस को समझे, बच्चा किस स्टेज में है, क्या वो तार्किक क्षमताओं के स्टेज में है, क्या वो थिंकिंग स्टेज में है, क्या वो लॉजिकल स्टेज में है, ये स्टेज देखेंगे सबसे पहले। तो स्टेज को समझने के लिए, स्टेजेस को समझने के लिए इनकी जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद होता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब होता है कि क्या किसी चीज का निर्माण करना। और जिन पियाजे ही है जिन्होंने ये कहा है कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होता है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है ना अपनी खुद की क्षमताओं के बिहार पर चीजों को सीखता है, खुद की क्षमताओं यानी कि जिस तरीके से उसके स्टेज आते रहेंगे वो बच्चा चीजों को सीखता रहेगा। तो ये तो इसके बिहार पर ये माना जाता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि वो खुद ही अपनी चीजों को निर्माण कर सकता है, वो खुद ही सारी प्रॉब्लम को सोल्व
कर सकता है, वो खुद ही सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, ये मानते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म के आधार पर ये माना जाएगा कि डिस्कवरी ऑफ लर्निंग को डेवलप करो, बच्चे के अंदर में डिस्कवरी ऑफ लर्निंग को डेवलप करो, क्योंकि वो तो खुद ही निर्माण कर सकता है ना नॉलेज को, नॉलेज को वो खुद ही सीख सकता है, समझ सकता है। तो किस पर ध्यान देना है एक टीचर को, किस पर डेवलप करने की बात करेंगे, डिस्कवरी नॉलेज पे ध्यान देना है, उसके बाद किस पे ध्यान देना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है, उसके बाद किस में, प्रोजेक्ट लर्निंग, यानी कि ये ऐसे मेथड है, इस मेथड को आपको जाकर के ये नहीं कहना है कि बच्चा ये प्रोजेक्ट होता है इस तरीके से बनाओ उस तरीके से बनाओ, नहीं, बल्कि इसका एक फॉर्मेट ऐसा तैयार करना है आपको पढ़ाने का कि उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें उसमें अप्लाई होता हो, तो बच्चा तभी उस चीज के अकॉर्डिंग चीज सीखना शुरू करेगा। उसके बाद होता है एनी एक्टिविटीज ऑन स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, आपकी मानसिक क्षमताएं होती है, जो चीजें आप मानसिक क्षमताओं के बिहार पर करते हो उसको डेवलप करने की बात करते हैं। उसके बाद यहां पर देखा जाएगा कि टीचर का क्या रोल होगा, तो टीचर जो होगा सिर्फ और सिर्फ एक क्या होगा, एज अ फैसिलिटेटर होगा, एज अ फैसिलिटेटर होगा, यानी कि सिर्फ फैसिलिटीज, यानी कि हेल्पर रहेगा, सिर्फ गाइड रहेगा वहां पे, वहां पर जाकर के इंक्लूड नहीं होगा, बल्कि आप जो है वो सिचुएशन उसको प्रोवाइड करा दोगे, वहां पर जाकर के खुद उसका सोल्यूशन नहीं करोगे, क्योंकि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है। उसके बाद होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि यानी कि व्यक्ति जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग अलग होता है, तो इसके कहने का मतलब है कि टीचर को चाहिए कि उसका क्या समझे, उसका जो भिन्नता है, यानी कि जो स्टेजेस है, जैसे कि एक बच्चा बैठा हुआ है वो कितने साल का है, वो एक से दो साल के बच्चे का है, बच्चा है, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, तो उसकी जो भिन्नताएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, वो क्या होगा, सेंस के बिहाव पर सीखेगा। उसके बाद में जो क्या कहते हैं कि स्टेज देखेगा, तो स्टेज के बिहाव पर उसकी जो डिफरेंसेस है उसके डिफरेंसेस को समझते हुए बच्चे को पढ़ाएगा। उसके बाद होता है आपका रेडीनेस ऑफ लर्निंग, रेडीनेस आपने पढ़ा होगा, रेडीनेस का मतलब ये नहीं है जो थॉर्नडाइक की थ्योरी दिया गया है लॉ ऑफ रेडीनेस, यहां पर रेडीनेस का मतलब है कि बच्चे की क्षमताओं को डेवलप करने की बात करना, यानी कि रेडी करना, बच्चे को आगे सीखने के लिए रेडी करना। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि बच्चों की जो किताबें होती है ना, बच्चों की किताबों में कहानी कम लिखा होता है, कहानी के स्टोरी बहुत ज्यादा दिया होता है। ऐसे ऐसे जब स्टेज आपकी बढ़ती रहेगी, जब आप ऊपर जाओगे, जब पीएचडी करोगे या फिर आपका एमए करोगे, तो एमए पीजी जब करोगे, तो वहां पर क्या होगा, स्टोरी ज्यादा लिखा होगा, और उसके बाद में क्या है, आपका जो पिक्चर्स है वो कम होगा। यही मतलब है कि आपको स्टेज देख करके उसका रेडीनेस बढ़ाना है, यानी कि वो बच्चे को जो अंदर की जो स्टिमुलस है, अंदर का जो पावर है, उसको क्षमताओं को डेवलप करना है। तो ये सारे होते हैं आपके क्या होते हैं, एजुकेशनल इंप्लिकेशन होते हैं, जो आपके एजुकेशन में अप्लाई किए जाएंगे, जो थ्योरी इन्होंने दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी किसका है आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ गेस्टाल्ट थ्योरी जो होता है वो किन्होंने दिया हुआ है, तीन साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये, ठीक है ना। तीन साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है, वो कौन है, कोफा है, कॉलर है, उसके बाद वर्थहाइमर है, इसको मैंने बता दिया है। अब इनका जो एजुकेशनल इंप्लीकेशन होगा वो किस तरीके से होगा, देखिए गेस्टाल्ट थ्योरी आपको पता है कि चिंपैंजीज पे कैसे रिसर्च हुआ था, चिंपैंजी अपने जो लक्ष्य है कैसे पाता है, वो आपको आपको याद होगा। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी, ये Obviously, गेस्टाल्ट थ्योरी क्या मानता है, ये मानते हैं कि आपके इनसाइट के बिहाव पर जो है बच्चा किसी चीज को सीखता है, किसी हॉल परिस्थिति को पूरा उपयोग करके किसी चीज को सीखता है। तो यहां पर ये कहते हैं कि बच्चों को एजुकेशनल इंप्लीकेशन में इसको कैसे प्रयोग किया जाएगा, इस तरीके से देखिए, डेवलप इनसाइट, सबसे पहले उनके इनसाइट को, यानी कि उसकी जो क्या कहते हैं अंतर्दृष्टि है, उसको डेवलप करो। आपको हर चीजें पढ़ाने की, हर चीजें रट लेकर के समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बच्चों का जो इनसाइट है उसको डेवलप कर दो। उसके बाद किसको डेवलप करो, उसके बाद विजडम को डेवलप करो, यानी कि उसकी जो अकल है, उसका जो माइंड है, उसको डेवलप करो। उसके बाद किसको डेवलप करो, कंप्रिहेंशन को डेवलप करो, जो कंप्रिहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है, आप उसको डेवलप करो। तो ये जो थ्योरी है आपका इनसाइड थ्योरी, ये यही कहता है कि बच्चों को जो है ना, आप खड़े होकर के ऐसे करके पढ़ाओ नहीं, बल्कि आप क्या करो, आप पढ़ाने का ऐसा तरीका फॉर्मेट तैयार करो जिससे ये डेवलप हो, इनसाइड डेवलप हो, विजडम डेवलप हो, कंप्रिहेंशन डेवलप हो, ऐसे चीजों को अप्लाई करने की बात करते हैं। उसके बाद होता है आपका प्रमोट एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिविटीज कराओ। ऑब्वियसली जैसे कि चिंपैंजी एक्टिविटीज कर रहा था, कि जिस तरीके से वो बैठा हुआ है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, बहुत सारी चीजों को लेकर के एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो एक्टिविटीज को करने के बाद में ही अपने लक्ष्य को पाता है। उसके बाद होता है आपका लीडिंग वर्क इन ए न्यू वे, यहां पर देखा होगा आपने चिंपैंजी क्या करता है, चिंपैंजी यहां पर सीखता किस तरीके से है कि वहां पर जो न्यू वे होता है, सपोज पहले तो वो उछलता है, फिर एक नया तरीका सोचता है कि वो डब्बे को नीचे रख करके उछलता है, फिर स्टिक को लगा करके। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को
उसको आप भी न्यू वे तरीके से सिखाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि जिस मेथड में चीजें सिखाई जा रही है, जो एग्जांपल पुराने जमाने के दिए गए, आप भी वही दिए जा रहे हो। नहीं, अभी का जो रिसेंटली एग्जांपल है, उस तरीके से न्यू तरीके से अप्लाई। जैसे कि अभी के डेट के एग्जाम की बात करें, तो आपका जो क्लास होता है, इस क्लास से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है? जो स्मार्ट क्लासेस होते हैं, जहां पर प्रोजेक्ट के थ्रू से पढ़ाए जाते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ। तो यही कहने का मतलब है कि बच्चों को न्यू तरीके से सिखाने की कोशिश करो। उसके बाद होता है आपका डेवलप मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि चिंतन। आप बच्चों के चिंतन के पावर को बढ़ावा दो, क्योंकि वो चिंतन के बिहाव पर ही किसी चीज को सीखेगा। यहां पर ये मानते हैं कि यहां पर मेडिटेशन का मतलब होता है, यहां पर ये मानते हैं कि बच्चा जो है प्रैक्टिस से कोई चीज नहीं सीखता है। बच्चा जो है, जब आप मेडिटेशन बढ़ाओगे, तो बच्चा बैठे बैठे सोचता रहेगा, एकदम से उसके दिमाग में कोई बात आएगी, हाँ इसका सोल्यूशन ये है, तो अब वो जो है ना मेडिटेशन शुरू कर देगा, चिंतन के बिहाव पर वो करना शुरू कर देगा। तो इनका कहने का मतलब है कि बच्चा जो है ना एक ही अपने दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट लाता है और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। प्रैक्टिस इसके लिए जरूरी नहीं है। तो क्या करना है आपको? मेडिटेशन को बढ़ावा देना, यानी कि उसके चिंतन को बढ़ावा देना है। आप ऐसे ऐसे स्टोरीज क्रिएट करो जिससे उसका चिंतन बढ़ावा पाए। उसके बाद होता है आपका हॉल मेथड इज गुड देन पार्ट मेथड। यह कहते हैं कि कोई भी चीज बच्चों को सिखाओ ना, सपोज दैट आप कोई सब चैप्टर पढ़ा रहे हो बच्चों को, एक टीचर एजुकेशन इंप्लीकेशन इसका यह है कि टीचर अगर एक चैप्टर पढ़ा रहा है, तो सिर्फ उस चैप्टर पर ही ध्यान नहीं दो, बल्कि चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें आप देकर के पढ़ाओगे, तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से गेन कर पाएगा। कई एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे कि आपका सोशल साइंस होता है ना, सोशियोलॉजी होती है आपकी, सोशल साइंस होता है, इसमें अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, तो अगर सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ा रहे हो, उसके बाद आपका सिविक्स नहीं डिस्कस कर रहे हो, उसके बाद आपको जो है हिस्ट्री को उसको कोरिलेट करके नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि इसका तो लिंक होता है ना एक दूसरे के साथ में, आप लिंक नहीं पढ़ा रहे हो, तो वो जो है अपना इनसाइड थ्योरी अप्लाई नहीं कर पा रहा है इसका मतलब। उसके बाद होता है आपका देयर मस्ट बी अ पर्पस। इससे इनसाइड थ्योरी में ये होता है कि आपका पर्पस होना, यानी लक्ष्य को डिसाइड होना बहुत जरूरी है। जैसे कि चिंपैंजी को ये लक्ष्य पता था कि मुझे भूख लगी है, तो भूख किस तरीके से मिटाना है, ये लक्ष्य आपके पास भी होना जरूरी है कि आप बनना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, एजुकेशनल में किस मेथड से आप सीखना चाहते हो, ये लक्ष्य आपका डिफाइन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है आपका, यहां पर देख सकते हो आपका क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की जो थे, वाइगोत्स्की जो थे, इन्होंने कौन सी थ्योरी दिया था? सोशल कल्चरल थ्योरी दिया था इन्होंने। तो सोशल कल्चरल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था, एक मोटी सी बात बता देता हूं। ये कहते हैं कि सारी चीजें बच्चा जो है अपने अपने वातावरण से, है ना, अपने क्या कहते हैं कि पर्यावरण से, यानी कि एक कम्युनिटी से ही सीखता है बच्चा। यहां पर इससे डिफरेंस क्या है, ये कहते हैं कि अपने इनसाइड से सीखता है, ये कहते हैं कि नहीं स्टेजेस से सीखता है, विजडम से सीखता है। उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि क्या ये जो इनका है, ये कहते हैं नहीं सोसाइटी से सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है। तो इनका अकॉर्डिंग कौन क्या क्या जो है आपका एजुकेशनल इंप्लिकेशन होगा वो देखते हैं। इनको सबसे पहले क्या कहा जाता है, इनको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ये जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने ये कहा था कि सोशल यानी कि सोसाइटी के बिहाव पर बच्चा किसी चीज को सीखेगा। अगर बच्चे को सोसाइटी नहीं मिलेगा, तो बच्चा कोई चीज नहीं सीख पाएगा, कुछ भी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इनके मतलब क्या है, अगर ये चीज इसमें देखोगे आप कि बच्चे को सोसाइटी नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं है, बच्चा इंडिविजुअली जो है क्या कहते हैं, आज ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर इंडिविजुअली क्षमता है, उसको सोसाइटी की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं सोसाइटी नहीं मिलेगा, तो बच्चा नहीं सीखेगा। तो पहला क्या होता है आपका, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि सोशल के बिहाव पर आप उसको जो है एक्टिविटीज करवाओ, एक्टिविटीज के बिहाव पर वो बच्चा जो है क्या करेगा, सीखेगा। तो सोशल के बिहाव पर जब करेगा, तो उसके बिहाव पर ये कहा जाता है कि उससे क्या करवाओ, डिस्कवरी करवाओ, वही चीज प्रोजेक्ट क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के मेथड से प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाओ। यानी करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के उससे ये कहो कि तुम ये करो, ये नहीं। अब पढ़ाने का जो तरीका है ना, उस तरीके को ऐसा फॉर्मेट करो जिससे कि ये मेथड जो है डेवलप होता रहे, डिस्कवरी मेथड होता रहे। सपोज करके मैंने ये कहा कि बच्चे आज की डेट में जो है बच्चा जो है पढ़ता नहीं है, तो आप इसका रीजन क्या करो, तो बच्चा जो है डिस्कवरी मेथड अपनाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम दे दिया, बच्चे आज जो है छोटी एज में ही क्या करते हैं, बच्चे स्मोकिंग करते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व, तो स्मोकिंग करते हैं, इतना आपने बोला, और उस बच्चा जो क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्या कहते हैं तरीका ढूंढना शुरू कर देगा। उसके बाद होता है आपका टीचर एज अ फैसिलिटेटर। ये सारे साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि टीचर यहां पर टीचर नहीं होगा, टीचर सिर्फ और हेल्पर होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा, जहां उसको जरूरत पड़ेगी वहां हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ये मानते हैं। उसके बाद होता है आपका एसएस चाइल्ड्स ZPD, ZPD आपको याद होगा,
जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जिस तरीके से एक बच्चा है, एक बच्चे की जो क्षमता है जोनल प्रॉक्सिमल यानी कि संभावित क्षेत्र जो है वो इतना ही सीख सकता है, तो आप क्या करोगे उसको बढ़ावा दोगे। आप क्या करोगे, ये जोनल प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट की बात है ये इसको बढ़ावा दोगे आप, ताकि बच्चा जो है आगे भी बढ़ सके। अपना जितना संभावना वो रखता है सीखने के लिए वो तो सीखेगा। तो यहां पर आकर के ये कहा जाता है कि जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या करना है, आपको उसको बढ़ावा देना है, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका स्कैफोल्डिंग कोऑपरेटिव, है ना। स्कैफोल्डिंग मैंने आपको बताया था, स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है, एक ऐसा मतलब के क्षेत्र जिसके थ्रू से आप किसी की मदद मांगते हो, किसी की मदद की जाती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि मदद करना, तो यहां पर क्या मदद करने का मतलब क्या, हेल्प करना, है ना। तो हेल्प करना यानी कि सहायता करना, सहयोगी करना, तो यहां पर क्या होगा आपका कोऑपरेटिव, यानी कि आप सहयोगी के थ्रू से। यहां पर एक स्टेज ऐसा होता है, सपोज दैट कि आप एसेस करोगे ZPD को, वो अपनी क्षमताओं से जब आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसको जरूरत पड़ेगी लोगों की। तो जब जरूरत पड़ी, लोगों का मतलब सोसाइटी है यहां पे, ठीक है ना, कम्युनिटी है यहां पे, तो वो क्या करेगा, वो कोऑपरेट करेगा। तो क्या करना है आपको, कोऑपरेटिव लर्निंग उसकी डेवलप करना है। उसके बाद होता है आपका पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग का क्या मतलब होता है, सपोज दैट कि ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, ये बच्चा जो है इससे ज्यादा नॉलेज, पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब होता है ये बच्चा जो है इससे ज्यादा नॉलेज रखता है, तो अब ये बच्चा जो है इससे कंसल्ट करेगा, क्योंकि बिहेवियर थ्योरी है ये, है ना। क्या कहते हैं आपका, कौन सा है, सोशल थ्योरी है ये, तो यहां पर क्या करेगा, इससे कंसल्ट करेगा और इससे अपना नॉलेज सीखेगा। पीयर ट्यूटोरिंग यानी कि जिसको आता है उससे वो पूछेगा और पूछ करके अपनी नॉलेज वो सीखेगा। तो क्या करना है आपको, एक वो करना है, आप ऐसा वातावरण क्रिएट कर दो ना कि एक दूसरे से, एक तीसरे से, एक चौथे से लोग सीखना शुरू कर दे। उसके बाद होता है आपका कॉग्निटिव अप्रेजेंटेशन, है ना। उसके इसका क्या मतलब होता है कि यहां पर एक टीचर होता है और यहां पर एक स्टूडेंट होता है, तो यहां पर जब स्टूडेंट सीखते 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 कोई जरूरत पड़ी तो वो टीचर से कंसल्ट करेगा, ठीक है ना। यहां पर फिर से सीखते 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 किसी चीज की जरूरत पड़ी तो टीचर से कंसल्ट करेगा। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि एक कोऑपरेटिव के थ्रू से, यानी कि आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो जिसके थ्रू से बच्चा जो है दूसरे की हेल्प से, इसकी हेल्प से, उसकी हेल्प से, इस तरीके से हेल्प से एक दूसरे का सोल्यूशन निकालता रहे। जबकि प्याजे कहता है नहीं, उसके अंदर खुद दिमाग है, वो सीखेगा अपनी मर्जी से। ये कहता है कि नहीं, इनसाइट उसके अंदर में जो होती है उसको डेवलप करोगे तब सीखेगा। ये कहता है नहीं, आप उसको कम्युनिटी में बांटो तब वो सीखेगा, तभी उसका माइंड डाइवर्ट होगा दूसरे से, तीसरे से। तो ये था आपका तीनों थ्योरी का एजुकेशनल इंप्लीकेशन। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।